जो आम दिख रहा है ये कोई सामान्य आम नहीं है बल्कि लंगड़ा और चौसा किस्म का आम है। सितंबर का महीना समाप्त होने को है लेकिन आम अभी भी बिक रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये आम आ कहां से रहा है, क्योंकि यहां के पेड़ों पर कोई आम ही नहीं बचा है। आम कलकत्ता से आ रहा है और लंगड़ा और चौसा वेराइटी का है। हालांकि यहाँ के लंगड़े और चौसे से यह आम कम मीठा है लेकिन इसको भी ग्राहक पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आम के शौकीन पूरे देश में मौजूद हैं और आम की इन वैरायटियों ने बता दिया है कि आम आने वाले समय में पूरे साल मिल सकता है, क्योंकि फरवरी महीने से ही दक्षिण भारत से आम आने शुरू हो जाता है। ऐसे में ये सितंबर तक अभी ये आम बिक रहा है और अभी 10-15 दिन और बिकेगा। ये जो आम बिक रहा है, सितंबर आधा बीत चुका है और अभी भी आम मिल रहा है, ये कहाँ का आम है? ये कलकत्ते का है, वर्धमान का, कलकत्ता वर्धमान का है। यहाँ से एक महीने बाद तैयार होता है, लेट माल होता है। तो यहाँ के ये जैसे कौन कौन सी वैरायटी का आम है? ये चौसा है, कलकत्ते का लंगड़ा भी है। हाँ, लंगड़ा भी, चौसा भी है। तो वहाँ के लंगड़ा और चौसे में यहाँ में क्या फर्क है? यहाँ वाले मिठास ज्यादा होती है, वहाँ के वाले मिठास कम होती है। मिठास कम है, आम में स्वाद है, खाने में स्वाद है। तो इस समय तो ग्राहक कम मिलते होंगे? नहीं, ग्राहक शौकीन ग्राहक खाते हैं, ग्राहक शौकीन होते हैं। क्या रेट बिक रहा है अभी? 200 रुपए किलो। और जब यूपी का आम आता है तब रेट कम रहते हैं? हाँ, तब 50-60 रुपए किलो बिकता है। यूपी में ज़्यादा पैदावार होती है, उधर पैदावार कम होती है, मगर इसलिए महंगा रहता है। तो इस समय जो और भी कोई वैरायटी का आम आ रहा है? नहीं, यही दो वैरायटी। आम के लिए अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरमेन सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।